नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति से कुछ ऐसे प्रश्न बताने जा रहे हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो इसका जो साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री, कोस 90 डिग्री का जो मान आप अगर याद किए हैं तो यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सर्च करके देख लीजिए, या आपके बुक में दिया हुआ है वहां से आप याद कर लीजिए। तो आइए देखिए, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वही मान कोस 30 डिग्री का भी मान होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है, ठीक। और इंटू यानी गुना है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? जितना इसका आता है उतना इसका भी होता है, यानी कि तब कितना हो जाएगा? कोस 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए। अब बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और इंटू यहाँ पे दे दीजिए गुना का, और 1/2। तो अब देखिए क्या होगा, इसको जब आप गुना करिएगा, इसको जब गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए √3 × √3 = √9 हो जाता है, तो इसका ये वर्गमूल निकल के 3 आ जाएगा। तो जब भी एक रंगा रहे और रूट के अंदर रहे तो वही आ जाता है, जो संख्या रूट के अंदर दिया रहता है। तो देखिए, तो अब नीचे में 4 हो जाएगा, चलिए, और प्लस है, प्लस दे दीजिए। ऊपर ऊपर गुणा करिए तो 1 होगा और नीचे में 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो एक बार में तो ये अब प्लस और ये कितना हो जाएगा? ये टोटल 4/4, यानी कि कट के कितना आ जाएगा आपका? 1, आंसर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अब दूसरा नंबर सब प्रश्न देखिए, प्रश्न है तो इसका आंसर 1 हो गया। अब दो नंबर प्रश्न देखते हैं। दो नंबर प्रश्न में 2 tan² 45° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60° तो 2 है तो 2 को इसी तरह से रखेंगे, और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 रख देंगे। इस पे स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे, प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 इस पे स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए, माइनस साइन 60 डिग्री का मान, तो इसका उल्टी, अगर cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, तो √3/2 इस पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, यानी 2 sin² 45° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60° का मान कितना होता है? तो साइन 45° का मान होता है 1, 1 बैठा दिए, इस पे स्क्वायर था स्क्वायर दे दिए, प्लस था प्लस दे दिए। कोस 30 डिग्री का मान यहाँ भी यूज किए थे, देखिए कोस 30 डिग्री का मान √3/2, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यहाँ लिख दिए, अब बैठा दिए, अब माइनस का चिन्ह दे दिए। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान जस्ट उसका उल्टा होता है, तो इसका भी हो जाएगा √3/2। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे 1 का तो 1 ही रह जाएगा, गुना 1 हो जाएगा, प्लस ये जब स्क्वायर होगा तो सिर्फ यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये नीचे का 4 हो जाएगा, माइनस इसका भी स्क्वायर होगा तो ऊपर में 3 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। ये 2 × 2 प्लस इसका दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 4 हो गया। उसके बाद 3 × 3 माइनस है, माइनस फिर 4 × 4 3 × 3 तो 2 प्लस इधर कितना हो गया? 0/4, यानी कि 2 प्लस ये 0 हो जाएगा टोटल, यानी कितना हो गया आपका? 2, इसका आंसर 2 हो गया। तो इस तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्लास 10th में दोस्तों द्विघात बहुपद में आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो देखिए पहला है कि बहुपद 2x² - 5x + 7 के शून्यंकों का योग क्या होगा? तो शून्यंकों का योग जानते हैं दोस्तों, α + β = -b/a, तो आपका a बराबर कितना हो जाएगा? 2, और b बराबर कितना हो जाएगा? -5,
और c बराबर कितना हो जाएगा 7। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सूत्र है, तो आपका क्या आ जाएगा माइनस तो पहले से है, और b कितना है माइनस 5, तो 5 बैठा दीजिए, और नीचे में a है तो a कितना आपका 2, तो लिख दीजिए जब ब्रैकेट टूटेगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, यानी कि 5/2 आपका आंसर सही हो जाएगा, 5/2 ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा प्रश्न है बहुपद 4x² माइनस एक्स माइनस 3 के शून्य अंकों का गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल का सूत्र आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, तो इसका ए कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4, और बी बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, बी बराबर कितना हो जाएगा न, यहाँ पे कुछ तो 1 है माइनस 1 हो जाएगा, और सी बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3। तो देखिए आपका सी बटे ए यानी कि सी कितना है आपका, सी कितना है माइनस 3 और ए कितना है 4, तो माइनस 3 4 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों।